सरकार जल्दी वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने जा रही है। संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वेद तो बेहद प्राचीन है, आरएसएस और बीजेपी तो बस वेदों की बात कर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इस मौके पर मंत्री सुभाष गर्ग से बातचीत के हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने। सर, वैदिक संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है, शंकराचार्य बोर्ड की भी बात कही, लेकिन आज आपने कहा है कि जल्द गठन हो जाएगा वैदिक बोर्ड का, क्या है? देखिए, जो वैदिक संस्कारों की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है, मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत पुरानी परंपरा है। जब तो भारतीय जनता पार्टी संघ का भी जन्म नहीं हुआ था, जब वेदों की रचना की गई थी और वो वेद पूरी तरह साइंटिफिक एक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित हैं। ब्रह्मांड से वेदों का संबंध है कि ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है वो आदमी की कार्यशैली, उसकी बॉडी, उस सबको प्रभावित करता है, तो उसका संबंध क्या है, तो वेदों में जो लिखा गया है, तो इसी संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि राज्य में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उसका निर्णय ले लिया गया है, इसकी प्रक्रिया जारी है, एक एक्सपर्ट्स के समूह का गठन कर दिया गया है जो इस सारी प्रक्रिया को तय करेगा, इसके कार्य क्या होंगे, क्या उद्देश्य है, क्या संगठनात्मक ढांचा होगा, किस तरह से ये काम करेगा। लेकिन मेरा ये जो मानना है कि वेद विज्ञान का वर्तमान के साथ संबंध, भविष्य के साथ संभावनाएं, आर्थिक प्रगति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के वेदों में क्या लिखा गया है, जिस तरह से नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अगर आप पढ़े हैं उसको, आज के इस वर्तमान का वर्णन कर दिया था, वर्तमान में क्या समस्याएं पैदा होंगी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को, भाजपा के लोगों को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, गांधी जी को पढ़ना चाहिए क्या उन्होंने कहा, तो इसमें वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड भी एक उसी तरह की पहल है जहां वेदों की ऋचाएं वगैरह भी सीखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमेरिका जैसे, नासा जैसी जो लोग हैं, नासा के वैज्ञानिक हैं, वो भी मानते हैं कि संस्कृत है, वो भी अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल सही है, इसको एक कुछ लोग संक्षिप्त दृष्टिकोण से देखते हैं कि इस पर हमारा कब्जा है, कोई भी महापुरुष हो उसको रंगों को खरीद लेते हैं ना, इस रंग पर हमारा कब्जा है। आपने देखा है भाई, किसी रंग पर किसी का स्वामित्व नहीं है, व्यक्तियों पर किसी का स्वामित्व नहीं है, जो प्रगति हो रही है उस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, तो उसी उसमें वेद विज्ञान, योग, संस्कृत, आयुर्वेद, ये सारी इंटरलिंक चीज़ें हैं। अब इनको आइसोलेशन में देख करके हम बात करें तो गलत है, तो उसी रूप में हमारी सरकार की पहल है और मुझे खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पहल को शुरुआत की, अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसकी देखने को मिलेगा किस तरह से कार्य करेगा। और मैं समझता हूँ इसका जो है संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसको हम एक प्रयोगात्मक एक परिसर बनाने की बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो ये दावा करते हैं उनको धक्का जरूर लगेगा कि कई बार आपने पूर्व शिक्षा मंत्री का बयान भी पढ़ा होगा कि कांग्रेस भी अभी राष्ट्रवाद की बात करने लगी है। क्या मैं सोचता हूँ राष्ट्रवाद वो कांग्रेस को सिखाएंगे, हम लोगों को राष्ट्रवाद सिखाएंगे? जिनका स्वाधीनता आंदोलन में जो योगदान रहा है और जिन लोगों का योगदान नहीं रहा वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता। राष्ट्रवाद किसी की वो नहीं है संपत्ति, राष्ट्रवाद जो भी व्यक्ति यहाँ का नागरिक है इस देश का उसमें राष्ट्रवाद होता है। तो इसलिए ये कहना है केवल हम ही राष्ट्रवादी हैं और कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये मेरा जवाब। कुल मिलाकर कहा जाए तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके की कोशिश की गई, लेकिन अब वेदों की ओर लौटो जो लगातार कहा जाता है उस पर कांग्रेस सरकार फोकस करेगी और वेदों की जो महत्ता है वो आम जन तक तो पहुँचेगी ही, लेकिन विद्यार्थियों तक खासतौर पर पहुँचेगी। और जब ये बोर्ड काम करेगा तो ये बताएगा कि वेदों का कितना महत्व है, संस्कृत की ऋचाओं का कितना महत्व है। बहरहाल, इन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि जो संपत्ति है वेद जो है वो किसी एक का नहीं है, वेद जो है वो सभी के हैं, वेदों में जो ज्ञान है वो सभी का है। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।